नमस्कार। आज कक्षा सात के आपके जो अध्याय नंबर दो चल रहा था अपना, उसका भाग दो पढ़ेंगे अपने, जिसके अंतर्गत हमने देखना है कि चोल राज्य जो था वो उसका प्रशासन कैसा था, वहाँ कृषि किस प्रकार की थी, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का राजा किस प्रकार का था या वहाँ पर प्रशासन जो था चोल वंश का वो किस प्रकार से स्थापित होता है, कौन होता है जो उसको स्थापित करने वाला है, कौन उसमें वृद्धि करने वाला है, इन सभी बातों के बारे में या चोल साम्राज्य के बारे में क्या है विस्तृत जानकारी अपने इस अध्याय के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि चोल राज्य की स्थापना कैसे होती है। इसमें बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि उरेयूर से तंजावूर तक जो चोल साम्राज्य था वो उरेयूर से लेकर तंजावूर तक फैला हुआ था। उसकी सीमा जो थी इतनी लंबी विस्तृत सीमा थी, उसका विस्तार किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसके राज्य की शुरुआत होती है वो देखते हैं अपने कि ये जो क्षेत्र है अपना वो है कावेरी डेल्टा। कावेरी नदी जहाँ डेल्टा बनाती है, जैसा कि अपने जानते हैं कि सभी जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो लगभग सभी नदियाँ क्या है डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। तो कावेरी नदी जो है उसका डेल्टा का जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या है एक वंश का राज हुआ करता था मुटियार। क्या वंश है? मुटियार। तो मुटियार नामक वंश जो था वहाँ क्या है शासन किया करता था। ये एक छोटा सा मुखिया परिवार था जिसकी एक सत्ता थी, और ये किसके लिए कार्य करते थे? कांचीपुरम के पल्लव वंश, कांचीपुरम के पल्लव वंश के शासकों के लिए ये मुटियार वाले जो हैं वो क्या करते थे, मताहत का कार्य किया करते थे। मताहत का, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था मताहत कौन होते थे, मताहत एक प्रकार से सामंत होते थे जो राजा के यहाँ हाजिरी लगाया करते थे, उसको गिफ्ट दिया करते थे और उसको सैनिक सहायता दिया करते थे। तो ये मताहत थे कांचीपुरम के पल्लव वंश के यहाँ। कौन है? मुटियार, जिनका शासन कहाँ था? कावेरी डेल्टा के आसपास जो क्षेत्र है उरेयूर और तंजावूर, उनके आसपास इनका क्षेत्र के ऊपर क्या है मुटियार का शासन हुआ करता था। अब होता ये है उरेयार नामक वंश है, ठीक है, उस वंश का एक शासक होता है विजयाल्य। उस वंश के अंदर क्या है चोल वंशीय शासन होता है, उस वंश चोल वंशीय प्रमुख, चोल वंश का एक प्रमुख शासक होता है जिसका नाम क्या है विजयाल्य। विजयाल्य तो ये शासक क्या करता है मुटियार के शासनाधिकारिक क्षेत्र जो था कावेरी डेल्टा का, या आप कह सकते हो उरेयूर या तंजावूर का जो क्षेत्र था उस पर विजयाल्य जो है वह आक्रमण करता है। और 9वीं सदी में क्या है 19th सेंचुरी में वह विजय प्राप्त करता है, विजयाल्य विजय प्राप्त करता है इस क्षेत्र के ऊपर। अब विजयाल्य ने क्या है स्थापना कर दी है किसकी? चोल वंश की। कहाँ पर? इस क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना करने वाला कौन है? विजयाल्य है। यानी हमारे पास क्या है चोल वंश का प्रथम जो शासक है जिसने तंजावूर और उरेयूर में क्या है सत्ता स्थापित की है वो कौन है? विजयाल्य। और विजयाल्य अब क्या है अपना जो क्षेत्राधिकार है उसको विस्तृत करने का कार्य कर देता है जब वो डेल्टा वगैरह क्षेत्र को जीत लेता है। इसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, एक तो इसने तंजावूर नामक शहर बसाया था। एक तो क्या किया है तंजावूर नामक शहर को बसाया है, और एक यह है क्या करता है मंदिर का निर्माण करता है नी सुधिनी, नी शुभ सुधिनी, नी शुभ सुधिनी देवी का मंदिर क्या करवाता है निर्माण करवाता है। यानी इसने एक तो देवी का मंदिर बनवाया है, दो कार्य हो गए इसके, तंजावूर शहर को बसाना और नी शुभ सुधिनी नामक देवी का मंदिर बनवाया। यह साथ ही साथ क्या है अपने
पड़ोसी इलाकों को भी जीतता गया और अपने राज्य के क्षेत्रफल को क्या करता रहा, बढ़ाता रहा। अब पहला शासक हमारा क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है, यानी विजयालय कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद 1985 के आसपास क्या है, राजराज प्रथम जो क्या है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा है। चोल वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक है ये, प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम शासन करना शुरू करता है 1985 के तकरीबन। और यह भी क्या है, अपने जो पूर्वज हैं विजयालय जैसे, उनके अनुरूप क्या है, अपने क्षेत्र को बढ़ाता रहता है। शक्तिशाली शासक था ये, ठीक है। इसने भी क्या है, महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसमें से क्या है, एक तो यही कि क्षेत्रफल को बढ़ाना, नियंत्रण उस पर का नियंत्रण पर जो विस्तार करना, और साथ ही साथ इसने क्या है, चोल वंश के प्रशासन का पुनर्गठन किया था, प्रशासन का पुनर्गठन किया था। प्रशासन के पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, प्रशासन का मतलब हो गया किस प्रकार से राज्य को चलाया जा रहा है, कर व्यवस्था क्या है, शासन व्यवस्था क्या है, कृषि किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाए, लोगों के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, या लोगों को जीवन दैनिक जीवन में उनकी सहायता किस प्रकार से किया जाए, कानून व्यवस्था क्या हो, वो सारा क्या है, प्रशासनिक ढांचा क्या है, इसने दोबारा से पुनर्गठित किया। इम्पोर्टेंट यह है। इसके अलावा राजराज प्रथम ने क्या है, भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें क्या है, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका क्या है, गंगईकोंड चोलपुरम नामक जो मंदिर है वो महत्वपूर्ण है, जो क्या है, कला का दक्षिण भारत में कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। उत्कृष्ट नमूना एक प्रकार से कहा जा सकता है गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो राजराज प्रथम ने करवाई हैं वो क्या क्या हैं, एक तो प्रशासनिक क्षेत्र में क्या है, सुधार करवाया है, साथ ही साथ क्या है, गंगईकोंड चोलपुरम नामक मंदिर का निर्माण इसने करवाया है। इसके बाद जो तीसरा शासक आता है वो इसका पुत्र है राजेंद्र प्रथम नामक शासक जो है वो इसका पुत्र है। सेम वही सीमा का विस्तार। नेक्स्ट क्या किया है, इसने जल सेना का निर्माण करवाया को सुदृढ़ रूप से गठन किया। किसका, जल सेना का। यानी इसके राज्य में क्या है, या इसके राज शासन काल में यहाँ दक्षिण भारत की जल सेना का निर्माण इसने बहुत अच्छे से करवाया, और जलीय अभियानों के तहत जो आसपास के द्वीपीय जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर भी इसने क्या है, अधिकार प्राप्त किया था। यानी यह क्या है, भारत के संस्कृति को आगे भी लेकर गया। तो इसका मतलब ये है कि चोल साम्राज्य में हमारे पास क्या है, तीन महत्वपूर्ण शासक हैं, विजयालय, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा है, इन तीनों के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या है, ये बताते हैं कि उरेयूर से लेकर तंजावूर तक इनका क्षेत्र का जो विस्तार था वो किस प्रकार का था, और इन्होंने साथ ही साथ क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करवाए, जिसमें क्या है, सबसे पहला कौन है, विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इसने क्या किया है भाई, नी शुभ सुधिनी नामक मंदिर, देवी मंदिर, ठीक है, तंजावुर शहर को बसाया। इसने क्या किया है, गंगईकोंड
चोलपुरम नामक मंदिर का निर्माण करवाया है। और नेक्स्ट इसने क्या है, जल सेना। ये तीन महत्वपूर्ण कार्य, चार महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो इन शासकों के द्वारा कंप्लीट करवाए गए। अभी देखते हैं अपने इनके भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला या मंदिरों का रख रखाव कैसा था, मंदिर के लिए भूमि कहाँ से आती थी, मंदिर क्यों बनवाए जाते थे, उन सभी की चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने क्या है गंगईकोट चोलपुरम के मंदिर को बनवाया था। अब ये जो मंदिर बनवाए जाते थे इनके लिए भूमि को दान दिया जाता था। स्पेशल किसके लिए होती थी वो भूमि, मंदिर के लिए होती थी। ठीक है, जो भी मंदिर में काम करने वाले थे, काम करने वाले जैसे पुरोहित, पुरोहित थे, नर्तक थे, संगीतकार थे, नर्तक, संगीतकार, ठीक है, तो इस प्रकार के जो मंदिर के अंदर कार्य करने वाले थे, जैसे इसके अलावा माला बनाने वाले, मालाकार, बावर्ची, तो ये इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग थे, पुरोहित, नर्तक, संगीतकार, मालाकार, बावर्ची, इन सभी के लिए इस भूमि पर क्या है अनाज उगाया जाता था या जो भी इस भूमि पर कार्य किया जाता था उस सारा का सारा खर्च क्या है इनके ऊपर किया जाता था। इनके देखभाल के लिए, इनके सुख सुविधा के लिए, इनके दैनिक जीवन की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार से यहाँ करवाया जाता था। अब देखो मंदिर जो थे, चोल मंदिरों की विशेषता क्या है, चोल मंदिर जो थे वो एक प्रकार से क्या है बस्ती का केंद्र थे, बस्ती के लिए, बस्तियों के केंद्र के रूप में बनते थे वो। यानी आमतौर पर आपने देखा होगा कि शासक ने मंदिर बनवाया है उसके आसपास ही क्या है इस क्षेत्र में क्या है जो बस्तियां वगैरह हैं उनका निर्माण होता था। लोग उन मंदिरों के लगभग आसपास ही अपना घर बनाया करते थे, ठीक है, ताकि वो क्या है एक सुदृढ़ रूप से गठित होकर रहें। मंदिर क्या है न केवल आराधना का केंद्र होकर, मतलब मंदिर जो थे बस्तियों का केंद्र थे, शिल्प कला के उत्पादन का केंद्र थे, यानी शिल्प कला का उत्कृष्ट कार्य वहीं पर किया जाता था और कहीं पर क्या है राजाओं का महल वगैरह के लिए भले ही काम में आते हों लेकिन शिल्प कला के उत्पादन के लिए भी ये केंद्र थे। साथ ही साथ मंदिर सिर्फ मंदिर क्या है नॉर्मल सी बात है, धार्मिक रूप से भी क्या है, धार्मिक रूप से भी गांव या उस शहर के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। और उस समय सिर्फ मंदिर जो थे वो आराधना का क्षेत्र न होकर इसके साथ साथ वो आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक रूप से क्या है वहाँ का केंद्र हुआ करते थे। यानी आप देख सकते हो कि जो भी चोल शहर या गांव बसा होगा वो मंदिर के ऊपर डिपेंडेड था या मंदिर जो है वहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करते थे। क्या है क्योंकि एक तो क्या है भूमि बहुत अधिक मात्रा में मंदिरों के रूप में सौंपी जाती थी कि मंदिर के काम की आएगी ये भूमि। इसके अलावा वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता था, जो शिल्पकार थे वहाँ पर उनको रोज़गार मिलता था या अन्य जो मजदूर वगैरह हैं उनको रोज़गार मिलता था, खेती करने के लिए अच्छी भूमि जो है वो भी उनको मिलती थी। साथ ही साथ इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, पुरोहित है, नर्तक है, संगीतकार है, मालाकार, बावर्ची वगैरह जो लोग हैं जो इनके खाना बनाने के लिए व्यवस्था करता था वो सभी लोगों को भी क्या है एक प्रकार से रोज़गार मिलता था। साथ ही साथ क्या है बस्तियों के केंद्र के रूप में होते थे वो, क्योंकि ज़्यादातर बस्तियाँ क्या है मंदिर के आसपास बसाई जाती थी और वो बस्तियाँ क्या है सुदृढ़ रूप से बनी रहती थी क्योंकि वो आस्था का केंद्र भी था, साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से भी क्या है महत्वपूर्ण थे मंदिर। तो इस प्रकार से मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कर रहे थे अपना
नेक्स्ट अपने इसी के अंदर जो पॉइंट आता है कांस्य मूर्तिकला। तो कांस्य मूर्तिकला जो है वो चोल वंश की सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से क्या है विशेषता कहा जा सकता है, संसार में क्या है सबसे विशिष्ट या विशेष प्रकार की जो कांस्य मूर्तिकला मिलती है वो चोल साम्राज्य के क्षेत्रों में मिलने वाली कांस्य मूर्तियों की ही है, जिसमें अपने पढ़ते हैं कि वो सारी की सारी जो है वो कला का उत्कृष्ट नमूना था। साथ ही साथ क्या है जो मूर्तियां बनती थी वो ना केवल देवता को की ही बनती थी, साथ ही साथ क्या है साधु या सेवक या अन्य प्रकार के इस प्रकार के जो लोग होते थे उनके भगत वगैरह जो कह सकते हो आप, उन भक्तों की भी क्या है मूर्तियां बनती थी, ना केवल देवी देवताओं की। नेक्स्ट इसके साथ साथ क्या है संसार में जैसे कि मैंने बताया उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं, और यहाँ पर क्या है लगभग मंदिरों में क्या है कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम जोरों शोरों पर चलता रहता था, यानी बहुत बड़ी मात्रा में कांस्य मूर्तियाँ जो है वो यहाँ पर बनाई जाती थी लगातार। तो इस प्रकार के जो शिल्पकार थे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान थे। तो इस प्रकार से क्या है मंदिर का महत्व क्या था, इसके अलावा वहाँ पर कांस्य मूर्तिकला का किसा स्थान था या कितनी हद तक या कितनी ऊंचाई तक वो कला का विशिष्ट कार्य जो है वो पहुँचा हुआ था। तो जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि संसार की सबसे उत्कृष्ट जो कांस्य की मूर्तियाँ हैं कांस्य धातु की मूर्तियाँ हैं वो चोल साम्राज्य में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं कृषि और सिंचाई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना वो है कृषि और उसके साथ साथ सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो कृषि के अंतर्गत देखते हैं अपने कि पता चलता है कि चोल साम्राज्य के इस क्षेत्र चोल साम्राज्य के इस क्षेत्र में चावल की खेती महत्वपूर्ण रूप से की जाती थी, जिसके अंतर्गत क्या था कि जैसा कि अपने देखते हैं कावेरी नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा रूपी स्ट्रक्चर बनाती है और साथ ही साथ क्या करती है अलग अलग धाराओं में बहना शुरू हो जाती है। तो ये अलग अलग धाराओं का उपभोग इस प्रकार से करते थे ताकि चावल की खेती के लिए पानी सही मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके अलावा जो कई और जो महत्वपूर्ण अनाज थे उनकी भी खेती की जाती थी। इस भाग में क्या है जो खेती जो थी बड़े पैमाने पे की जाती थी। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि उस समय जंगलों को साफ करके खेती करना आम बात हो गया था और क्या है खेती व्यापक रूप से की जानी लगी थी। साथ ही साथ जो क्षेत्र खेती के लायक नहीं थे उनको समतल करके, यानी उबड़ खाबड़ ज़्यादा थे तो समतल करके भी क्या है वहाँ पर खेती करने का कार्य शुरू किया गया, यानी जंगल और बाकी के जो क्षेत्र थे उनको कृषि योग्य बनाया गया ताकि अनाज की कमी ना हो और किसान को भी क्या है मुश्किलें ना हो। इसके अलावा जो डेल्टाई क्षेत्र थे वहाँ पर क्या है तटबंध बनाए गए थे, तटबंध बनाकर कार्य करवाया गया था, तटबंधों का कार्य जिससे क्या है बाढ़ का जो पानी है वो कृषि को नष्ट न कर सके तटबंध का कार्य ऐसा था कि वो है बाढ़ के साथ कृषि के क्षेत्रों को नष्ट न कर सके। इसके अलावा पाँचवीं और छठी शताब्दी में आकर क्या है यहाँ पर खेती क्या है व्यापक रूप से की जाने लगी और क्या है एक वर्ष में तकरीबन दो फसलें प्राप्त की जाने लगी। एक वर्ष में क्या है लगभग दो फसलें प्राप्त की जाने लगी। तो यह क्या है अपने देखते हैं कि खेती के लिए बहुत विशिष्ट कार्य करवाया जा रहा था कि चावल की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी से में गिरने वाली कावेरी नदी भी क्या है एक प्रकार से अपना महत्वपूर्ण भाग खेती के लिए समर्पित कर रही थी ऐसा लगता है, क्योंकि उसको पानी डिस्ट्रीब्यूट
कर रही थी। नेक्स्ट खेती को बड़े पैमाने पर करवाने के लिए जंगलों को साफ करवाया जा रहा था, समतल करके उनको यूज किया जा रहा था। साथ ही साथ क्या है, एक समय में दो फसलें प्राप्त करने का कार्य हो रहा था। अब देखते हैं सिंचाई के लिए क्या क्या किया जा रहा था। सिंचाई के लिए एक तो कुओं को खुदवाने का कार्य, कुओं को खुदवाने का कार्य किया जा रहा था। इसके अलावा कुओं को खुदवाने के अलावा जहां वर्षा का पानी रुक सकता था वहां बड़े बड़े सरोवर या तालाब का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसका बेनिफिट क्या है, बाद में जब पानी की कमी हो उस समय उसका उपभोग किया जा सके। इसके अलावा नहरों के रूप में खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा था। खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा था। और ये जो सिंचाई का कार्य है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि न केवल प्रशासनिक लोग राजा और साथ ही साथ जो ग्रामीण जनता थी वो, या कह सकते हो आप कृषक, ये सभी लोग इस कार्य को या खेती के लिए जो सिंचाई व्यवस्था है उसको महत्वपूर्ण रूप से करवाने का कार्य क्या है, यह सारे लोग राजा, प्रशासनिक विभाग में जो लोग थे वो, और साथ ही साथ वहाँ की जनता और कृषक लोग सिंचाई का कार्य महत्वपूर्ण तरीके से बढ़वाने के लिए, खेती को विस्तृत रूप से करवाने के लिए कार्य करवा रहे थे। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है साम्राज्य का प्रशासन, यानी प्रशासनिक विभाग कैसा था, किस प्रकार से प्रशासनों को बांटा गया था और प्रशासनिक रूप से शहर को या राज्य को कितने भागों में बांटा गया था। तो अभी देखते हैं अपने किसान, बस्तियां जो थी उनको कहा जाता था उर, और ये सारे कई बस्तियां मिलकर गांव बनाती थी। और इस प्रकार के जो उर थे उन गांवों के समूह को, गांव के समूह को कहा जाता था नाडू, यानी किसानों की बस्तियों को तो कहा जाता था उर और गांव के समूह को कहा जाता था नाडू। इन नाडुओं के लिए एक क्या होती थी, ग्राम परिषद, ठीक है, एक तो होती थी इन नाडुओं के लिए ग्राम परिषद हुआ करती थी। साथ ही साथ ये जो नाडू के लोग थे वो भी, यानी नाडू के अंतर्गत भी क्या है, जो एक सभा होती थी, नाडू लोगों की एक समिति बनती थी, नाडू यानी गांव के समूह जो थे उन समूहों में से क्या है, जो चुनकर आते थे लोग उनकी एक समिति बनती थी। वो समिति और ग्राम परिषद क्या करती थी, न्याय, कानून व्यवस्था, कर या राजस्व व्यवस्था, ठीक है, न्याय, कानून या राजस्व व्यवस्था या कर वगैरह जो थे उनका जो देखभाल है या उनको लागू करने, कर लागू करने का कार्य है, राजस्व वसूल करने का कार्य है, न्याय व्यवस्था को संभालने का या कानून व्यवस्था को या कानून बनाने का जो कार्य थे जो राजा की स्वीकृति के द्वारा हुआ करते थे, यानी ये लोग क्या है अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या है किसी राज कानून के बारे में प्रस्ताव रखते थे जिसका विचार विमर्श राजा की मंत्रणा सभा में या मंत्री सभा में हुआ करता था। साथ ही उसके क्या है राजा के निर्णय के द्वारा कानून बनता था, उस कानून को लागू करवाने का या कानून के बचाव के लिए कानून के अनुसार लोगों को कार्य करवाने का कार्य ग्राम परिषद या नाडुओं की जो समिति थी वो करती थी, ठीक है।
तो ये क्या है, प्रशासनिक ढांचा था उनका। ये जो प्रशासनिक विभाग थे उनके ऊपर क्या है, वेलाल जाति के जो धनी किसान थे ना, यानी चाहे ग्राम परिषद है चाहे नाडू समिति है, वो वेलाल जाति के धनी किसान, वेलाल जाति के धनी किसानों का क्या है, वर्चस्व था, वर्चस्व कह सकते हो या एक प्रकार से एकाधिकार था उनका, वो ही लोग क्या है इस प्रकार के कार्य को संभालते थे। वहाँ पर जो न्याय व्यवस्था थी, कर व्यवस्था का संचालन करना, राजस्व लागू करना या राजस्व वसूल करना, ये सारे कार्यों का जो समापन है या संचालन है वो वेलाल जाति के क्या है किसान किया करते थे, उनका वहाँ पर नियंत्रण होता था। तो उनमें से कई जो धनी किसान हुआ करते थे, भूस्वामी हुआ करते थे, वो राजाओं के सम्मान के रूप में क्या है, मूवेंद वेलन या मताहत यानी मताहत भी कहलाते थे, मूवेंद वेलन भी कहलाते थे, अरई यार ये दो इम्पोर्टेंट उपाधि थी। मताहत क्या है, सामंतों को भी कहा जाता था, तो इनमें से कई सामंत बनते थे उनको मताहत कहा जाता था। तो मूवेंद वेलन और अरैयार ये दो महत्वपूर्ण उपाधियां होती थी, और इन उपाधियों पर जो विराजित लोग थे, सुशोभित लोग थे, वही क्या करते थे, कानून व्यवस्था को या न्याय व्यवस्था को, राजस्व व्यवस्था को संचालित किया करते थे, संचालन का कार्य वही लोग किया करते थे। तो इस प्रकार से क्या है इनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो चलता था। तो हमने क्या है अभी तक जो किया उसमें क्या है, किस प्रकार से चोल साम्राज्य का प्रशासनिक या शासन क्या है स्टार्ट होता है, क्या इस प्रकार से विजयालय नामक जो शासक है वो इसकी शुरुआत करता है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम इसको क्या है अपनी असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, किस प्रकार से यहाँ के राजाओं ने क्या है अपना योगदान सार्वजनिक रूप से या सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कि मंदिरों का निर्माण करवा के या अन्य मूर्तिकला या शिल्पकारों को आश्रय प्रदान करके किया वो देखा हमने। नेक्स्ट क्या है, कृषि और सिंचाई का क्षेत्र किस प्रकार से संभालते थे वो, ठीक है, यानी जंगलों को साफ करवाना, समतल भूभाग कराना, नहरों का निर्माण करवाना, कुएं खुदवाना, सरोवर बनवाना, इस प्रकार के कार्य राजाओं ने किए ताकि सिंचाई व्यवस्था और कृषि व्यवस्था संभली रहे। और साम्राज्य का प्रशासन जो था वो बंटा हुआ था, बस्तियाँ उर थी, गाँवों को नाडू कहा जाता, समूह को ग्राम परिषद या समिति जो थी वो प्रशासनिक व्यवस्था को संभालती थी। और उस प्रशासनिक व्यवस्था में वर्चस्व किसका था, वेलाल जाति के धनी किसानों का था, जो सम्मान के रूप में क्या है उनको राजा मूवेंद वेलन या अरैयार की उपाधि दिया करते थे। तो ये दो उपाधियां महत्वपूर्ण थी किसके लिए, वेलाल जाति के जो धनी किसान थे जो इस प्रकार का प्रशासनिक कार्य संभालते थे। ये चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर कर ली है, ये आपका सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट होता है। इसमें क्या है एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है, एक तो है ब्रह्म देह देह और नरगम, ये दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, या एक प्रकार से नगरम। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रह्म देह वह भूमि थी ब्राह्मणों को समर्पित समर्पित भूमि, और नरगम क्या थी, व्यापारी वर्ग था जो प्रशासन को संभालने का कार्य करता था। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि उस समय क्या है ब्राह्मणों को जमीन बहुत ज़्यादा दान में दी जाती थी, उनको क्या है ऐसा प्रचलन था ब्रह्मदेह जिस भूमि को बोलते थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जो भूमियाँ हैं, भूमि के प्रकार भी आपको बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है ब्रह्मदेह है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इनका चिंगलपुट में क्या है विशेष अवशेष मिलते हैं। तो आज के इस भाग में क्या है अध्याय 2 अपना पूरा होता है, नेक्स्ट भाग में करेंगे।
धन्यवाद।